आगाज में बुधायो सी असा एंटी टेस्ट के हवाले से वीडियोस शुरू कर रहे हैं सो उन हवाले से आज असा पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जेन असा फिजिक्स सब्जेक्ट के पहला क्वेश्चन थियो है एंटी टेस्ट जो देखो पास पेपर 2007 में आया है क्वेश्चन में पूछो तो है व्हेन अ फोर्स एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन of displacement the work done is options are available hai option a hai 0 option b negative option c positive option d mein puchho to mujhe b and c options diya and e options mein puchhe to none of these so in the question ke jawab dena se pehle in solution karna pehle hum try kar sakte hain hum work samjho वर्क आए था तो मुख्तसर वर्क जो इंट्रोडक्शन उन्हें हम बोलते थे कि आगे और वर्क देख वर्क कैसा संधि में जो है गम सो लव्स वर्क आम बोले में कुछ है तो हमने उन्हें की माना अलग नहीं दिया है अगर ऐसा फिजिक्स में कलाई ना आई तो उन्हें वर्क की माना अलग नहीं दिया है फिजिक्स में ऐसा वर्क के वचन आयो एज अ मैकेनिकल वर्क यानी वो वर्क जो हमें को मोशन और कम कयो हो बॉडी मूव थे तो उन्हें के ऐसा वर्क डन चंदा से सो वर्क डन के ऐसा डिफाइन किए चंदा से डेफिनेशन आया वर्क डन बाय अ फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन तने की से लिखो जदन के है ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स अप्लाई टाइम आई मूव सम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का के पर्टिकुलर डायरेक्शन का ते करे तो उन्हें के सलाह करना सी जो असन को भर डन ना है मैथमेटिकली ऐसा उन्हें के इन दम सारे के लिए भी बताया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस या इन बुक्स में डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी का कार्य के रूप में जेकर ऐसा दिसो तो ने जो मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड फॉर्म या स्केलर फॉर्म की लिखना आयो उन्हें जो ऐसा स्केलर फॉर्म लिखना है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस cos theta या f d cos theta ये रखा था स्केलर फॉर्म में पढ़िया है सी हमारे कुछ अहम पॉइंट्स हैं सो पेपर एक वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी वर्क की स्केलर क्वांटिटी क्या है आई ने यूनिट्स के क्या है इन किस मन जा है एक के ऐसा कराया जो एब्सोल्यूट यूनिट्स में आई ने ऐसा कराया जो ग्रेविटेशनल यूनिट या ग्रेविटेशनल यूनिट्स में ऐसा जो नई यूनिट्स में एसआई यूनिट में वर्क जो यूनिट का है जूल ICGS में वर्क में यूनिट आ है अल आई वन अल रिक्वायर्ड वो बराबर होता है 1 टाइम इन सेंटीमीटर जरा काल का सी ग्रेविटेशनल यूनिट्स की तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में एसआई यूनिट में या एमकेएस यूनिट में वर्क जो यूनिट आ है केजी मीटर आई सीजीएस में इन जो यूनिट थी वो ग्राम सेंटीमीटर नेचर ऑफ वर्क द वर्क जिन किस्म जो चीज हो रहा है एक पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क आई विल डिपेंड करेगा फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट पे आई एंगल पे देयर इज एंगल इज ऑल प्लस इन पॉजिटिव वर्क का समझो तदन की वर्क में आप समझो फोर्स आई डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो वो जितना लेस देन 90 डिग्री का हो उन वर्क के साथ होना से वो पॉजिटिव वर्क आए आई जस्ट एंगल फोर्स आई डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्रेटर देन 90 डिग्री हो ऑब्ट्यूज एंगल हो उन वर्क के साथ होना से वो नेगेटिव वर्क आए देयर इज जीरो वर्क जो कंडीशंस आए बिकॉज एंगल रिक्वायर फोर्स आई डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री आ है तो उन्हें के साथ जीरो वर्क चलना से या बी कंडीशन या है जो फोर्स अप्लाई करने का वो जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या भाई अगर जीरो हो जाए तो उन्हें जो जवाब भी है जो जीरो वर्क की इनवर्क आया था मेरे सवाल पे जब ऐसा के फोर्स जो है वो मिले लगे वो एक्टर रहे है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा एक खबर फार्मूला w is equal to fs cos थीटा है ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है लेकिन एंगल जो है वो कितना दो वो cos थीटा जो है बराबर 180 डिग्री है एंड cos थीटा बराबर आ है माइनस 1 जी एकरे एग्जांपल आहे की f is equal to fs cos 180 आणि
and W is equal to F S cos 1 x की वैल्यू आ गई minus 1. W बराबर कितने minus F S है. इतने देखो वर्ष करना है तो बोलता है ना negative आ गया. लेकिन जो option जो B है वो correct answer आ गया. Answer जो बोलता है मतलब 4 x की opposite to the direction of displacement.